आदि कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं एकदम ठीक हूं और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूं शाम के टाइम। शाम के टाइम यानी शाम का 6 बज चुका है और मेरा आज का पूरा दिन कैसे निकला वो हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि जो है आप सब लोगों ने देखा, मतलब मैं पूरे दिन कुछ ज्यादा ही काम रहा। पूरे दिन मैंने सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर मैंने सारा घर क्लीन किया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था बहुत सारे। फिर मैंने कपड़े धुले, बाथरूम साफ किया। और जो आप प्लीज आप लोग मेरा बाथरूम देख के माइंड मत करिएगा कि उसकी जो नीचे की जो जमीन है वो मतलब इस हमसे पहले पता नहीं जो है कौन लोग रहते थे, वो कैसे थे मुझे नहीं पता। इतना ज्यादा गंदा बाथरूम था, ये तो बहुत उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जो है साफ हो गया है। तो मैंने इस बाथरूम को बहुत ज्यादा साफ करवाया था तब जाके ये इतना साफ हुआ है और अब वो इससे ज्यादा साफ नहीं हो रहा है। तो मैंने बाथरूम साफ किया और कपड़े धुले और नहाया, सर धुल के मैंने नहाया था क्योंकि जब भी हम बाथरूम धुलते हैं तो सर धुलना जरूरी हो जाता है, इसलिए हमने सर धुल के नहाया। तो ये सारा काम और शाम की फिर हम नहा के फिर हमने शाम की पूजा की, आरती की, ये सब करते करते मुझे 5:30 पौने 6 हो गया था। फिर पूजा करके मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी। तो मेरे बाल अभी तक गीले हैं इसलिए मैंने खोल के रखे हैं, वैसे मैं ज्यादा खुले बाल नहीं रखती हूँ, मुझे खुले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन गीला सर अगर बांध लेते हैं तो वो भी नुकसान करता है और मेरी तबीयत वैसे भी जो है अभी खराबी हुई थी, तो सर्दी की वजह से अगर गीला सर बाल हम बांध लेते हैं तो मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है, तो इसलिए मैंने बाल खोल के रखे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख चुके, मेरा सारा काम हो चुका है और अब हम बैठे हैं फुर्सत में। तो अभी मैं अपना फोन देख रही थी, तो एक बार आप सब लोगों के लिए फिर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू हमें पसंद करने के लिए और हमें यहाँ तक लाने के लिए। मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी रेसिपी बनाती हूँ या जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी बातें करती हूँ, तो आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही काफी देर हो गई थी मैंने मोबाइल नहीं देख पाया था, तो आप लोगों के कमेंट देख रही थी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते, मेरा पूरा मोबाइल भरा पड़ा है। लव यू आंटी, लव यू माँ, वेरी नाइस, मतलब इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। एक लोगों का कमेंट आया आज तो वो कह रही कि मन करता कि आपके पास आकर रहे हैं, सो प्लीज आ जाओ मेरे पास, हम भी अकेले हैं हमें भी अच्छा लगेगा। तो सोचते हैं कि रेसिपी तो आज कोई बननी नहीं है, आज खाना तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा खाना रखा है मेरे लिए वो मैं शाम को खा लूंगी। और तो देखते हैं कि आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करते हैं। तो मतलब कई बार मेरे पास कमेंट भी आ चुके हैं और मैंने भी सोचा है, तो मेरे पास मलाई रखी है बहुत सारी, तो उसका आज हम घी निकालेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मलाई में से घी ज्यादा से ज्यादा और जल्दी कैसे निकालते हैं। तो थोड़ी देर में वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और किचन में चलेंगे। ये है हमारे पास 2 डिब्बे मलाई थी, तो मलाई कुछ ज्यादा है तो ये एक बार में नहीं इसका घी निकलेगा, तो इसलिए जो है हमने थोड़ी सी मलाई इस जार में कर ली है और आज हम मलाई से घी मिक्सी से निकालेंगे। वैसे तो हाथ से भी निकल आता है लेकिन हाथ से मथानी से मथने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी तो हाथ भी दर्द होने लगते हैं, तो मिक्सी में बस 5 मिनट में बहुत जल्दी और सारा घी निकल आता है मलाई से बहुत अच्छे से। तो हम मिक्सी से आज मलाई से घी निकालेंगे। और अभी मौसम कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है या फ्रिज में रखी हुई मलाई होती है तो उसमें गर्म करके पानी डालना पड़ता है, गुनगुना पानी डालना पड़ता है। यहाँ पे हमने मलाई को बाहर रखा था, फ्रिज में नहीं रखा है तो नॉर्मल है, इसीलिए हमने इसमें पानी भी नॉर्मल डाला है। सर्दियों में घी निकालें या गर्मियों में घी निकालें तो अगर फ्रिज की रखी मलाई है तो उसमें तो हमें पानी गुनगुना करके ही डालना पड़ेगा, और अगर हमने बाहर रखी हुई है तो गर्मियों में हम ठंडा पानी डालेंगे और सर्दियों में गुनगुना करके डालेंगे तो घी बहुत जल्दी आसानी से और बहुत अच्छे से निकल आता है। ये देखिए 5 मिनट में मक्खन अलग हो गया है और इसका पानी अलग हो गया है, तो हम हाथ से साफ कर लेंगे अच्छे से। इसमें अभी बहुत सारा मक्खन लगा है, सारे मक्खन को हमने इस कढ़ाई में निकाल लिया है।
अब इसका मक्खन हम अलग कर लेंगे और पानी अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी है। तो इसका जो पानी निकलता है इसको आप मट्ठे की जगह यूज करना चाहें तो जब मलाई आप डालना शुरू करते हैं तो उसी में आप 2 चम्मच दही डाल दें और बहुत ज्यादा पुरानी बहुत ज्यादा दिन तक ना इकट्ठी करें, 4-5 दिन की मलाई का, तो फिर ये जो मट्ठा जैसा निकलता है ये एकदम मट्ठे के स्वाद का और बहुत अच्छा मट्ठा निकलेगा इससे। इसका सारा पानी अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा के गरम कर लेंगे। अभी थोड़ी देर तक हम गैस को तेज रखेंगे, जब ये उबलने लगेगा तो फिर हम गैस कम कर देंगे। कपड़ा हमेशा मेरे हाथ में रहता है, हम गैस को ऐसे करके साफ करते रहते हैं और जमीन वाले कपड़े से जमीन साफ करते रहते हैं। और साथ साथ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है और ठीक भी रहता है, बहुत ज्यादा गैस भी नहीं गंदी होती है, जमीन भी नहीं गंदी होती, ताकि हमें बाद में बहुत सारा टाइम लगे इसमें साफ करने में, क्योंकि जो कुछ भी गिरता रहता है तो फिर ये यहाँ पे गैस जलने की वजह से सूख जाता है, जल जाता है, तो गैस भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। जैसे पहले जब गांव में रहती थी तो हमारे यहाँ हमेशा भैंस या गाय रहती थी, तो मैंने ये सारे काम बहुत किए हैं, मक्खन निकालना, दही जमाना, दूध गर्म करना और गाय और भैंस का दूध निकालना, तो ये सारे काम मैंने अपनी शादी से पहले बहुत किए हैं। तो या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो हमने मलाई इकट्ठी करी वो डायरेक्ट मलाई कढ़ाई में डाल देते हैं घी निकालने के लिए, तो उसमें एक तो घी अच्छे से नहीं निकल पाता है, पूरा घी नहीं निकल पाता है क्योंकि बहुत सारा मलाई का वो जो होता है वो कढ़ाई में इकट्ठा हो जाता है, कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जल जाती है। फिर जब हम घी निकालते हैं, घी छानते हैं, तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से अगर घी निकाला जाए तो सारा घी निकल आता है, सारा मक्खन मलाई से एकदम अलग हो जाता है और कढ़ाई में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है गर्म। आप देख सकते हैं मक्खन से घी निकलना शुरू हो गया है और इसको अब हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें ये थोड़ा सा ये सफ़ेद सफ़ेद जो इसकी मलाई जैसी है ये जब जल जाएगी तब हम गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं घी बनकर तैयार हो गया है, अब ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, उसके लिए हमने लिया है ये स्टील का डिब्बा और घी छानने के लिए हमने स्टील की छन्नी का इस्तेमाल किया है। इसमें हम स्टील की छन्नी का ही यूज करते हैं क्योंकि घी अगर हल्का सा भी गर्म होगा, वैसे भी जो है प्लास्टिक की छन्नी यूज करना बंद कर दिया है। इतने कम समय में पूरी मलाई से एकदम से सारा मक्खन निकल के और घी बन के तैयार हो चुका है। इसमें बहुत कम टाइम लगा है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 से 15 मिनट लगे होंगे और हमारा घी बन के तैयार हो चुका है। तो हमारा ये घी निकालने का तरीका आपको कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी तो इसको नहीं कह सकते हैं लेकिन हमारा ये घी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि जो है घी निकालने का तरीका आपको कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बाबा की।